हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पार्ट तीन, इतिहास पार्ट तीन, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, ये पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो को देखने के पहले इसका पहला भाग जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमने इसके पहले पार्ट तीन अंग्रेजी सत्ता के परिणाम में हमने पढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के स्थापना, और स्थापना के बाद कैसे उन्होंने पूरे भारत में अपना कब्जा किया, अपना अधिकार स्थापित किया, अपना शासन चलाया, और उसका हमारे भारत पे क्या परिणाम हुआ, हमारे भारत के शासन व्यवस्था पे। आज हम पढ़ने वाले है भारत पर आर्थिक परिणाम क्या हुआ, अंग्रेज जब आए तो उनकी आर्थिक नीतियां क्या थी, उसका हमारे भारत पे क्या परिणाम। आर्थिक का अर्थ होता है जैसे पैसा, रुपया और बाजार, व्यापार, कृषि, ये सब आर्थिक के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हमारे भारत में बहुत पहले से, प्राचीन समय से बहुत सारे आक्रमण होते आए हैं, और बहुत सारे जैसे मुगल आक्रमण, मुगल शासक, उसके बाद और भी पुर्तगाली आए, और भी बहुत सारे शासक आए, तो वो जब आए तो आक्रमण होता रहा, आक्रमण किए, लेकिन वो भारत में आकर बस गए। उन्होंने कहा वो, और बसने के बाद हमारी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, उसमें घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ शासन भी किया, लेकिन अर्थव्यवस्था में वो किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। लेकिन अंग्रेज जब आए तो वो एकदम उसके विपरीत थे, उन्होंने यहाँ के अर्थव्यवस्था को ही बदल डाला, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ थी, यानी वो वहां के लोग पूंजी लगा के पूंजी से धन कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने आर्थिक लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपना तो उन्होंने फायदा किया, लेकिन भारतीयों का शोषण किया, यानी गरीबों से जबरदस्ती टैक्स लेना, मनमाना व्यवहार करना, उन पर अत्याचार करना, ये सभी कार्य करने लगे। तो ये हो गया आर्थिक नीति। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भू राजस्व नीति। भू राजस्व का मतलब होता है लगान। लगान पिक्चर सभी लोग ने देखा है क्या? लगान का मतलब होता है टैक्स, किसी चीज पे टैक्स, जिसको जीएसटी भी हम बोलते हैं। तो भू राजस्व विषयक नीति, अंग्रेजी शासन काल प्रारंभ होने, अंग्रेजी शासन काल का जब प्रारंभ हुआ, उसके पहले जब हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था, यानी गांव वगैरह, वहां की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने आप पर निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। कृषि और अन्य उद्योग जैसे चमड़ा हो गया, या अनाज हो गया, या मटका बनाना, या लोहे का सामान बनाना, ये सभी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। एक दूसरे को एक सामान देकर, जैसे किसी से अगर अनाज लेना है तो अनाज को लेने के लिए उसको कुछ लोहे का सामान दे दिया और अनाज ले लिया, या किसी को मटका देकर अनाज ले लिया, अनाज देकर कुछ दूसरा सामान ले लिया, इस प्रकार का लेन देन चलता था। इससे क्या होती थी, गांव की आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाती थी। टैक्स वसूलना राज्य का प्रमुख स्रोत होता था। अंग्रेजों के पहले लगान निर्धारित किया जाता था, फसल ना अच्छी होने पे, मान लो जब हम अंग्रेजों का शासन नहीं था, उसके पहले अगर मान लो फसल अच्छी नहीं हुई तो लगान में छूट दे देते थे, और जो टैक्स होता वो अनाज के रूप में लिया जाता था। और मान लो किसी को अनाज, मान लो लगान अदा करने में या लगान देने में लेट हो जाते थे, तो उनसे उनकी जमीन को, खेती को छीना नहीं जाता था। लेकिन अंग्रेज सरकार अपनी आय में वृद्धि होने, यानी संपत्ति का शोषण करने के लिए, उन्होंने अपने जो टैक्स वाली प्रणाली होता, राजस्व प्रणाली में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया। उन्होंने क्या किया कि जो लगान है वो भूमि का माप करके क्षेत्रफल के अनुसार वो लगान लेने लगे। पहले क्या था
खेत था, छोटा खेत है तो अपने हिसाब से जो लगान दे दिया दे दिया। लेकिन अंग्रेज आए तो क्या किए, वो निर्धारित कर दिए ये बड़ा खेत है, ये इसका क्षेत्रफल इतना है तो उसके आधार पर तुमको लगान देना होगा। उसके अलावा लगान भी जो देना है तो वो पैसे के रूप में देना है, अनाज के रूप में नहीं। ऐसा उन्होंने कड़ाई कर दिया। और उन्होंने यह भी नियम बनाया कि अगर लगान समय के पहले अगर नहीं अदा किया तो उनकी जो जमीन है या खेती है उसको जब्त कर लिया जाएगा। अंग्रेज की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली हर एक क्षेत्र में अलग अलग थी। इससे क्या होता था, सब किसानों का शोषण होता था। नई भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम, जो अंग्रेजों का जो ये लगान वसूलने का जो व्यवस्था था उसका दुष्परिणाम किस प्रकार हुआ, हम आगे पढ़ने वाले हैं। नहीं, जो लगान वसूलने का परिणाम ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, ग्रामीण जीवन पे हुआ, क्योंकि किसान उन दामों पे अपनी फसल बेचने लगे जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा। इसके लिए क्या करते थे, वो अपना फसल या अनाज व्यापारी और दलाल, आढ़तिया मतलब होता है दलाल, उनको बेचने के लिए कम मूल्य पे उनको बेचना पड़ता था। वो उनसे कम मूल्य यानी व्यापारी और दलाल इनका किसान का शोषण करने लगे। समय पड़ने पर किसान को लगान भरने के लिए अपने खेत, अगर मान लो कभी खेती नहीं हुई अच्छी तरह से या बाढ़ आ गया या अकाल पड़ गया, तो ऐसे पड़ने पे उनको लगान तो भरना था निश्चित समय पे। इसके लिए क्या उनको क्या करना पड़ता था, अपने खेत को गिरवी रख के साहूकार के पास खेत को गिरवी रखनी पड़ती थी और कर्ज लेना पड़ता था ताकि वो लगान भर सके। इस तरह किसान क्या कर होते थे, कर्जदार बन जाते थे। और कर्ज जो है समय पे अगर नहीं लौटाते थे तो उनको अपना खेत बेचना पड़ता था। इस प्रकार अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे, सरकार जमींदार साहूकार व्यापारी सभी लोग मिलके किसान का शोषण करते थे। कृषि का व्यापारीकरण, कृषि मतलब फसल या खेती या अनाज, उसका व्यापारीकरण। पहले के जो किसान थे वो ज्यादा करके अनाज उगाते थे, जैसे गेहूं चावल जौ बाजरा ऐसी चीजें उगाते थे और उसका उपयोग वो खुद के लिए करते थे और गांव के जो आवश्यकता होती है उसके लिए करते थे। जैसे लोहा, लोहे का चीज खरीदना है तो अनाज दे के लोहे का चीज खरीद लिया, या कोई भी चीज खरीदना है तो उसको देख के अनाज दे के और खरीद लेते थे, यानी अपने ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए वो ये करते थे। अंग्रेज सरकार आए तो उन्होंने क्या किया, कृषि का व्यापारीकरण किया। उन्होंने कहा कि तुमको नगदी फसल उगाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने किसानों के साथ जोर जबरदस्ती की। कपास, नील, तंबाकू, चाय ऐसे फसल उन्होंने उनको कहा उगाने के लिए, तो ऐसे फसल तो खा नहीं सकते। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो परेशान हो गए, लेकिन अंग्रेज को इससे ज्यादा फायदा होती थी इसलिए इस फल को उगाने के लिए वो जबरदस्ती करते थे। इसी प्रक्रिया को कृषि का व्यापारीकरण कहते हैं। अकाल, अकाल क्या होता है बच्चों, जानते हो? अच्छा मैं बताती हूँ, अकाल का मतलब होता है जैसे सूखा पड़ जाना, जैसे बारिश न होना और सूखा पड़ जाना, इसको अकाल कहते हैं। तो जब बारिश नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा और लोग भूखे मरने लगते हैं। तो अकाल 1860 से लेके 1900 के बीच में भारत में कई बार अकाल पड़ा और अकाल का निवारण करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किया। और जल खेती के लिए या जीवन आवश्यक कामों के लिए जल की जरूरत होती, जल आपूर्ति योजना पर जो अंग्रेज सरकार ने थोड़ा भी खर्च नहीं किया, यानी यहाँ की समस्या को उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। परिवहन और संचार व्यवस्था, परिवहन और संचार व्यवस्था, परिवहन यानी आवागमन के साधन, जैसे गाड़ी हो गया, मोटर हो गया, आने जाने के जो वाहन हो गए उसको परिवहन और संचार व्यवस्था, उसमें सुधार अंग्रेजों ने किया। ये हमारे लिए कुछ हितकारी था, हमारे लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए और प्रशासन की सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया, परिवहन और संचार व्यवस्था की सुविधाएं निर्माण की, जैसे सड़क बनाना, रेल मार्ग बनाना। उन्होंने कलकत्ता और दिल्ली जोड़ने के लिए एक बड़ी लंबी सड़क बनवाई और 1885 में ठाणे और मुंबई रेल मार्ग की निर्माण किया।
और उसके अलावा टेलीग्राम यंत्र संदेश भेजने के लिए, जो सा कोई संदेश भेजना हो, अब तो हम मोबाइल पर संदेश भेजते हैं, है ना, कंप्यूटर पर संदेश भेजते हैं, तो ये संदेश भेजने के लिए टेलीग्राम यंत्र अंग्रेज सरकार ने शुरू की। उसके अलावा डाक व्यवस्था का भी निर्माण उन्होंने किया, ताकि संदेश उनको मिलता रहे, कहाँ क्या हो रहा उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे, प्रशासन अच्छी तरह से चले, व्यापार में वृद्धि हो। इससे क्या हुआ, इसके कारण जो हमारे भारतीय समाज उसमें बहुत ही अच्छे परिणाम हुए। इससे क्या हुआ कि हमारे जो देश के लोग हैं उनमें पारस्परिक संपर्क बढ़ा, यानी एक दूसरे से लोग मिलने लगे और उनके अंदर एकता की भावना का निर्माण हुआ। भारत में पुराने उद्योग धंधों का ह्रास, भारत में पुराने ह्रास का मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना या कम हो जाना। भारत से इंग्लैंड जाने वाला जो माल था उस पर अंग्रेज सरकार बहुत ज्यादा कर वसूल करती थी, इसके विपरीत इंग्लैंड से जो माल आता था उस पर बहुत कम टैक्स लिया जाता था। इस कारण क्या होता था कि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं उनको वो उसका ह्रास होने लगा। इंग्लैंड से आने वाला जो माल रहता था वो यंत्रों से बना होता था, ज्यादा मात्रा में बना रहता था, कम पैसे में बनता था। ऐसे सस्ते माल से होड़ लेना भारतीय कारीगरों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। इसके लिए यहाँ के जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे, जैसे मटका बनाना, लोहे का औजार बनाना और कपड़ा बुनना, ये जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए और बहुत सारे मजदूर जो है थे बेरोजगार हो गए। भारत में नए उद्योग धंधों का विकास, हमारे देश में उद्योगपति तो बहुत से थे लेकिन उनके पास अंग्रेजों का साथ नहीं था, समर्थन नहीं था, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं था, अनुभव नहीं था, पैसा नहीं था। इन चीजों को अभाव होने के कारण, कमी होने के कारण भारतीय उद्योगपति जो है बहुत ज्यादा संख्या में आगे नहीं आए, बहुत सारे उद्योग नहीं खुले। लेकिन ऐसे कई बाधाओं को पार करते हुए भी हमारे कुछ भारतीय उद्योगपति ने उद्योगों का निर्माण किया। 1853 में कवासजी टावर ने मुंबई में कपड़ा मिल शुरू किया, उसके बाद बंगाल में पटसन का मिल शुरू हुआ, उसके बाद जमशेदजी टाटा ने लोहे का कंपनी शुरू किया, टाटा आर्यन एंड स्टील कंपनी लोहे का कारखाना ये स्थापित किया। उसके अलावा भारत में और भी कुछ उद्योग खुले, जैसे कोयला, खनिज धातुएं, चीनी, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, ये सभी उद्योग भी शुरू हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, सामाजिक यानी हमारे समाज में और सांस्कृतिक परिणाम, संस्कृति मतलब जैसे प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गया, ये सभी में परिणाम। 19वीं शताब्दी में यानी आधुनिक युग में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद, ऐसे नए मूल्यों का अवतरण हुआ और उसका प्रभाव यूरोप में पड़ा, और यूरोप में पड़ा तो भारत में भी होना स्वाभाविक था क्योंकि यूरोपीय लोग हमारे देश में वो करते थे, तो उसका परिणाम हमारे भारत पे में ही हुआ। अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए भारतीय समाज को जानना बहुत ही आवश्यक था, अच्छी तरह से जानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कि यहाँ की परंपरा, इतिहास, साहित्य, कला, संगीत, पशु पक्षियों का अध्ययन करना शुरू किया, यहाँ के बारे में जानना शुरू किया। अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और उन्होंने हमारे भारत के बारे में जानकारी ज्ञान प्राप्त किया। उसके अलावा जर्मन मैक्स मूलर, ये इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और ये सभी देख के हमारे भारतीयों के मन में, जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि अंग्रेज होके हमारे देश के बारे में, हमारे देश की परंपरा, साहित्य, कला, संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें भी अपने इतिहास की परंपराओं, धर्म का अध्ययन करना चाहिए, ऐसी भावना हमारे जो पढ़े लिखे भारतीयों में होने लगी। अंग्रेजों ने भारत में नए नियम बनाए। 1829 में लॉर्ड बेटिंग ने सती प्रथा के बारे में जानते हो बच्चों? अच्छा ठीक है,
मैं बताती हूँ। सती प्रथा का मतलब होता है, जैसे पहले के युग में, आज तो नहीं, आज से पूरी तरह प्रथा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आज से 200-300 साल पहले हमारे देश में सती प्रथा था। तो सती प्रथा ऐसे होता था कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको भी सती होने के लिए बाध्य किया जाता, जबरदस्ती किया जाता था। तरह तरह की बातें बोलकर के तू सती हो जा, तू अगले जन्म उसके साथ ही फिर तेरा विवाह होगा, या तू सती है इसके लिए, तू सती स्त्री है, तू सती हो जा। तो इसमें क्या किया जाता था कि पति की मृत्यु होने के बाद उसके साथ उसकी स्त्री भी जल जाती थी। इससे क्या होता था कि उसके बच्चे दुखी होते थे, और जिस स्त्री का नहीं होने का मन होगा उसको भी जबरदस्ती बाध्य किया जाता। तो ये प्रथा बहुत ही अमानवीय थी, इसलिए लॉर्ड बेंटिंक ने इसको रोक लगाने के लिए कानून बनाया। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। विधवा पुनर्विवाह यानी विधवाओं का फिर से विवाह, क्योंकि उस समय विधवाओं का जीवन बहुत ही उनको तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं माना कर किया जाता था, उनको अशुभ माना जाता था, इसलिए उनका विवाह करने का कानून बनाया गया। तो यह जो कानून बनाया गया, ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से बहुत ही सहायक सिद्ध हुए। इसे हमारे ये जो कानून थे, कानून सही नहीं थे मानवता की दृष्टि से, तो मानवता की दृष्टि से कानून जो है सहायक सिद्ध हुए। प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज शासकों को अपना प्रशासन अच्छी तरह से चलाने के लिए पढ़े लिखे शिक्षा प्राप्त भारतीयों की जरूरत थी। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। इस नई शिक्षा के द्वारा हमारे भारतीयों के मन में पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, ये सभी से सभी का भारतीयों को जानकारी हुआ। और 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। पश्चिमी शिक्षा से प्राप्त जो हमारा मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग यानी पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग थे, उनमें सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये पाठ खत्म हो रहा है। थैंक यू।